ये ध्यान सूत्र है, व्हेनेवर यू स्टॉप फीडिंग योर पास्ट, मेडिटेशन ग्रीट्स यू साइलेंटली एंड इन्फ्यूजेज पॉजिटिव एनर्जी इन यू। अर्थात जब तुम अपने अतीत को भोजन देना बंद कर देते हो तो ध्यान बहुत शांति से तुम्हारा स्वागत करता है और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें भर देता है। व्यक्ति का बहुत ज़्यादा समय अतीत को ही भोजन देने में निकल जाता है। अतीत जब जिया गया होता है तब उसकी उपयोगिता होती है, और जब जा चुका तो उसकी उपयोगिता बस सार रूप में रहती है कि उससे तुमने क्या सीखा, उससे तुम्हारे अंदर क्या समझ इकट्ठी हुई, बस उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आम तौर से लोगों की जो आदत होती है वो अपने अतीत में ही घूमते रहते हैं। अतीत को भोजन देने का मतलब, अतीत को फीड करने का यही मतलब है कि तुम अब वर्तमान में नहीं रह रहे हो, वर्तमान से हटकर अब तुम बस केवल अतीत की बातें करते हो। और फिर जब उम्र बढ़ती जाती है तो ये बात कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ऐसे तो सभी के साथ लागू होती, हर उम्र में लागू होती है, लेकिन अक्सर जब लोग उम्र दराज हो जाते हैं तब देखिए बड़ी अजीब सी बात होती है। वो हमेशा पुरानी बातें करेंगे, अतीत की बातें करेंगे, जो बीत गया उसकी बातें करेंगे, और इन बातों के चलते हुए वो कभी वर्तमान में होते नहीं। वर्तमान में ना होने से ध्यान घटता नहीं। सूत्र कहता है कि अतीत को भोजन देना बंद करेंगे और ध्यान शांति से तुम्हारा स्वागत करें। ध्यान तो वर्तमान में ही है, या कहें कि ध्यान वर्तमान में होना ही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को अगर हम एनालाइज करें, अपने ही जीवन को क्यों ना, तो दिखाई देगा कि हर बात तो हम अतीत से निकाल कर लाते हैं। अभी कोई बात हो रही हो लेकिन हम हर बात की तुलना अतीत में हो चुकी किसी बात से करते हैं। अब ये प्रवृत्ति हमको टिकने नहीं देती इस क्षण में। यहाँ तक कि तुम बात सुन रहे हो और सुनते समय भी तुम अभी सोचोगे कि इससे पहले तुमने क्या सुना था, तुमने क्या पढ़ा था, ये बात उस अतीत की किस बात से मिलती है। ये तमाम तरह की तुलनाएं, तमाम तरह के जो कंपैरिजन और एटीट्यूड हैं वो तुम्हारे भीतर उठने लगेंगे। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि जो तुम अभी सुन रहे हो उसको अभी सुनो पूरी तरह वर्तमान में रहते हुए, ताजगी के साथ, पूरी फ्रेशनेस के साथ, और फिर उसका जो भी अर्थ होगा, अभिप्राय होगा, वो तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। नहीं प्रकट होता है तो भी कोई बात नहीं। सुनते समय ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो अतीत से तुमने सीखा है वो सार रूप में तुम्हारे भीतर होगा, जो तुमको बात को समझने की क्षमता देगा। वहाँ तक उसकी उपयोगिता है, उसके आगे उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। फिर सूत्र कहता है जब तुम ऐसे जीते हो अतीत से हटकर और ध्यान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, तब सकारात्मक ऊर्जा तुमको हर तरफ से भरती है। सकारात्मक ऊर्जा क्या है, ये पॉजिटिव एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी जीवन के प्रति पूरी तरह खुले रहने की अवस्था है। जब तुम अतीत से बचते हो तो तुम जीवन के प्रति पूरी तरह खुलते हो। ये क्षण है, तुम हो, सारी संभावनाएं हैं, और सारी संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं, खुल सकती हैं, उनमें तुम गति कर सकते हो, उनमें तुम खिल सकते हो संभावनाओं में। यही सकारात्मक ऊर्जा है। अतीत में अच्छा हुआ बुरा हुआ, अगर तुम उन सब बातों को अभी बीच में लाओगे तो कितना भी सकारात्मक होने की कोशिश करो तुम सकारात्मक नहीं हो सकते। अब जैसे मान लीजिए बुरा हुआ तो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है कि अभी उस तरह का बुरा ना हो जाए। अच्छा भी हुआ है अतीत में और अगर अतीत को वो अभी अपने साथ पकड़ के रखे हुए है तो वो सोचता है कि जैसा अच्छा हुआ था वो ऐसा बना रहे, वो अच्छा कहीं कम ना हो जाए,
या कहीं ऐसा ना हो कि उतना अच्छा अब ना हो। तो किसी भी एंगल से घूम फिरकर अगर व्यक्ति अतीत के माध्यम से जीने की कोशिश करता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा ही उसके अंदर प्रवेश करती है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब समझे, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है सीमित करने वाली ऊर्जा, तुमको लिमिटेड बना देने वाली ऊर्जा या प्रवृत्ति टेंडेंसी। और सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी सीमाओं को, तुम्हारी लिमिट्स को खत्म कर देती है, तुमको असीमित होने की संभावना देती है, क्षमता देती है, वही सकारात्मक ऊर्जा है। तो जब इस तरह से तुम अतीत से हटोगे तो स्वाभाविक रूप से भविष्य भी कोई मायने नहीं रखता, फिर तो तुम जहाँ हो वहाँ हो और वही ध्यान होगा। उस क्षण में जो भी ऊर्जा है वो सकारात्मक होती है और व्यक्ति के भीतर इतनी प्रतिभा को जन्म देती है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता।